स्वागत है दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे SBI क्लर्क के नॉर्मलाइजेशन के बारे में। स्पेशली आपको ये डाउट होगा कि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का क्या कंडीशंस रहेगा, क्योंकि थर्ड और फोर्थ शिफ्ट बहुत सारे आपको डेज में देखने को मिला है कि टफ था पेपर, ठीक है, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, इतना ईजी नहीं था थर्ड और फोर्थ शिफ्ट, क्योंकि मैं भी एनालाइज़ किया हूँ ये, और थर्ड शिफ्ट भी मैं गिनती करूँगा मॉडरेट में, ठीक है। कुछ कुछ शिफ्ट में थर्ड शिफ्ट इजी था, लेकिन कुछ कुछ डेज में मतलब थर्ड शिफ्ट देखा गया हार्ड था, और फोर्थ शिफ्ट मैंने दो बार देखा है, फोर्थ शिफ्ट टफ था दो दिन, ठीक है, जो प्रीवियस दो दिन एग्ज़ाम हुए 1920 को, तो फोर्थ शिफ्ट टफ था, इतना इजी नहीं था। तो इसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन में क्या आपको फ़र्क पड़ेगा, देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया लास्ट ईयर, अगर आपको पता नहीं है तो मैंने लास्ट ईयर भी वीडियो बनाया था, हाईएस्ट 22 मार्क नॉर्मलाइजेशन किया था, हाईएस्ट 22 मार्क नॉर्मलाइजेशन किया था, क्योंकि एक कैंडिडेट के हिसाब से मैंने आपको बताया था। तो मेरे हिसाब से अभी तक 22 मार्क मैंने देखा है, लेकिन बहुत एवरेज कहना है कि 10 से 12 मार्क आपका नॉर्मलाइजेशन में मिलता है। तो देखिए 10 से 12 क्या होता है, मैंने पर्सनली आपको 22 मार्क देखा है, तो आपको घबराना नहीं है। अगर भले ही आपका अटैम्प 60 है ना, मान लो फोर्थ शिफ्ट में एक्यूरेसी अच्छा है, तो आप पॉजिटिव रहें, आपको 60 भी है, आपका 75 भी मिल सकता है आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका अटैम्प 60 हो, 50 भी हो फोर्थ शिफ्ट में, तो ये भी बेनिफिट है। स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा कुछ कुछ स्टेट में, और स्पेशली नागालैंड मिजोरम में ज़्यादा बेनिफिट मिलने का चांसेस है अगर फोर्थ शिफ्ट में है, और आप टाइम आपका 50 है, 50 के आसपास है, 49-50 जो भी है, 51-52 के आसपास है, और फोर्थ शिफ्ट में है, तो आपको बेनिफिट मिलने को दिख सकता है। तो यहाँ पे 10 से 12 मार्क या 15 मार्क भी आपको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग टेंशन ना लें, मेंस की प्रिपरेशन करें, और 101% आपको नॉर्मलाइजेशन में होने वाली है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन टफ शिफ्ट में होती है, ठीक है। एक बात याद रखना, नॉर्मलाइजेशन टफ शिफ्ट, जो 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 शिफ्ट टफ होती है वही हिसाब से होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे नॉर्मलाइजेशन का क्या कंडीशंस रहता है, तो थर्ड और फोर्थ शिफ्ट, और आप भी बताएं कि आपका क्या शिफ्ट था। अगर आपका शिफ्ट भी कोई डिफ़िकल्ट था, तो जितना मुझे बात हुआ थर्ड और फोर्थ शिफ्ट वाले ही कह रहे हैं कि डिफ़िकल्ट था, तो आप भी बता सकते हैं क्या फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में भी कुछ ऐसा कंडीशंस था, तो आप लोग कमेंट करके बताएं, मैं हो सके तो आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो मेरे भाई बहन, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऑल द बेस्ट मेंस के लिए।